राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे सैन्य समारोह एवं प्रदर्शनी ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां भारतीय सेना के कर्तव्य को देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं और उनके कौशल और क्षमता को सराह रहे हैं। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक अकेला जवान काफी होता है। सेना की वर्दी में किसी चुस्त दुरुस्त जवान को देखकर हमारे भीतर भी जोश आ जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब भी हम कर्तव्य पथ पर अपने सैनिकों को परेड करते देखते हैं तो हमारे मन में भी विचार आता है कि काश हम भी भारतीय सेना का हिस्सा होते। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है और अपने अनुशासन और दक्षता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सैन्य प्रदर्शनी में भारतीय सेना द्वारा युद्ध में उपयोग किए गए और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे विभिन्न हथियारों, टैंक, राइफल आदि का प्रदर्शन किया गया है। इनमें से ऐसे टैंक और हथियार भी शामिल हैं जो वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं और सेना ने इसे धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि हमारे जवान कैसे दुश्मनों की मांग में घुसकर उनसे लोहा लेते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। गोरखा रेजिमेंट का भी प्रदर्शन लोग पसंद कर रहे हैं। घुड़सवार जवानों की घुड़सवारी देखते ही बन रही है। बहरहाल इन सेना के उपकरणों को अभी तक सिर्फ फिल्मों और मोबाइल पर देखा जाता था, लेकिन सरकार की सोच और कोशिश के कारण ये उपकरण आज रायपुर वासियों के सामने हैं, जिन्हें वे देख सकते हैं, छू सकते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ फोटो भी खिंचा सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक बंदूकें जो भारतीय सेना युद्ध के दौरान उपयोग करती है वो भी प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश टीवी।